हेलो जी, वेलकम टू इनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। जुमा मुबारक आप सबको। अभी नमाज पढ़ के आ चुके हैं वापस। अभी अपने परिंदे जानवरों को देखते हैं कैसे हैं, बिल्कुल ठीक होंगे। अभी हमने जो है गाय को वो फ्रूट के जो छिलके होते हैं वो भी डाले हैं, बिल्कुल खा पी के वो खा रही है। सामने हमारा टर्की बैठा हुआ है और यहाँ पर हमारा बछड़ा बैठा हुआ है। पता नहीं क्यों कल से मुझसे डर रहा है। और ये कहीं लेके आ रहा है रैबिट्स की घास। अभी रैबिट्स को घास डालेगा। रैबिटों ने इतना खड्डे लगा लिए हैं, फिर मसला कर दिया इन्होंने। ये देखे चमचम कैसे खा रही है माशाल्लाह से अपने जो है फ्रूट में। और ये पैरों में पड़ रहा है, सारे कपड़े ख़राब कर देता है। अभी यहाँ पे देखें क्या सूरत हाल है। यहाँ देखें, ये देखें इधर कड़ा, इधर कड़ा, इधर कड़ा, पता नहीं क्या क्या कर दिया इन्होंने। इधर बचत थे, इधर कटा नहीं किया। यहाँ बैटरी वैटरी लगी हुई है चार्ज पे। और यहाँ पर हमारी बकरियाँ खड़ी हैं, इसके कि सिंह टड़े मड़े हो चुके हैं और माशाल्लाह से इसकी आँखें इतनी प्यारी है। और ये भी इंशाल्लाह जल्द बच्चे दे देगी। अभी इसका भी जो है बिल्कुल सही हो गया है। हमारी दूसरी बकरी वो माशाल्लाह देने वाली है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया, देखें इसकी भी टांग ऊपर है, पता नहीं क्या मसला हुआ है। रोज़ इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मसला है। अब कहीं पता नहीं क्या करता है इनके साथ। इसको क्या किया बकरी को? फिर उसकी बकरी की टांग ऊपर है। बकरा वरी भुन जगी नासी बकरी आ ना केदर ने डंग मथे आ तेरी कहां से मेरा च दिस दिस अंदर वन हुआ जगी वरी बकरी आ असारी। हां सदर मोना असारी ना हो जे क्या? हां सदर मोना और दिस डंग मथे जी होना जी मथे ही खानी पी रही हिंदी में बात कर रहे थे, आपको समझ आ रही होगी या नहीं आ रही थी। पर जो है उसको थोड़ा टांग में मसला है, बाकी ये हमारी बकरी माशाल्लाह से बच्चे देने वाली है। और वो दूसरी बकरी देखेंगे। पर ये बोल रहा है कि मैं दो दिन छोड़ के फिर नहीं आऊंगा। बिल्कुल अभी इसके बातें सुन रहे हैं। ये नहीं आएगा तो काम कौन करेगा इधर? अभी दाना दाना डालते हैं टर्की को। टर्की बेचारा भूखा होगा, इसको दिया भी नहीं होगा किसी ने, क्या दिया है तो फिर देखते हैं अभी कैसे करता है भाई। देखो पेट भर के खाए, बेचारे को भूख लग गया, इसने तो खाना खा दिया। तुमने टर्की को क्यों नहीं दाना दिया? नहीं भाई कोई काम अच्छे नहीं है, खुद ही करने पड़ते हैं सब। ऊपर हमने जो नया कबूतर लेके आए थे वो सामने बैठा हुआ है, और दूसरी हमारी जो कबूतरी है उसकी मादा वो भी बैठी हुई है। और पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। और जो हम दूसरे कबूतर जो है मैंने पकड़े थे कल, उनको पकड़ लिया था, पर जो है मैंने उनको यार फिर मैंने कहा छोड़ो अब क्या इनको कहाँ करेंगे हम। यहाँ पे हमारे मोर मुर्गा सब खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमने बत्तख अंदर कर दिया इसमें। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे हमें बंद किया हुआ है, दाना पानी रखा हुआ है, सारा दाना पानी गिरा दिया इन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि अंडे बच्चे दे दें, पर ये नहीं दे रहे हैं, तो बस इसको आप खोल देते हैं यहाँ से, दें ना दें इनकी मर्जी है। फिर यार इनको बंद करके क्या हम तकलीफ़ दें इनको। फ्लफी वहाँ पर भागी जा रही है अंदर। और यहाँ पर हमने ये मुर्गी लेके आए थे हम, छोटी सी ये वाली मुर्गी लेके आए थे कल, तो इसको सब मार रहे हैं, फिर ये भाग रही है इधर उधर, तो इसको बेचारी को डर, फिर भूख पे दाना भी नहीं खा रही ना, तो इसलिए इसको हमने अभी जो है इधर बंद किया हुआ है कि ये दाना वाना खाए और सही से इंजॉय करे और इनमें से जो है कंफर्टेबल हो इससे। और
और ये दूसरी तीसरी कबूतरी हमारे ऊपर बैठी है। दो कबूतरियाँ हैं और एक कबूतर है, तो अभी इनका जोड़ा लगेगा तो फिर ही कुछ कर सकते हैं। अब इनका दरवाज़ा खोला है, देखते हैं फिर। बाकी ये जो है हमारा हैंड टाइम कबूतर, ये तो इधर ही बैठा रहता है सारा दिन। देखें ये बड़ा कमज़ोर सा है बच्चा, इतना बड़ा हो चुका है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है और ये बड़ा नहीं हो रहा। पता नहीं क्या सीन है इसके साथ। अब इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, थोड़ा धूप वगैरह सेक के दाना पानी पिए। सही भाई, जाओ भाई, चला गया। अब इधर पे खुद ही ये दाना पानी करेगा, दाना पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, एंजॉय करे अपना। और दूसरे को देखते हैं, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इनका कोई मूड नहीं लग रहा आने का, ये अंदर ही बैठे हुए हैं। तो मूड नहीं है तो इनको बंद कर देते हैं, शायद इनका मूड हो कि अंडे बच्चे दें, इन्होंने घर अपना सेलेक्ट कर लिया हो तो अंडे बच्चे दे देंगे तो यार सही रहेगा। और यहाँ पे हमने गंदम निकाल के रखी है, जैसे इनको गंदम वंदम डालें, हम इनको डालेंगे। अभी जो है इसका पानी ख़त्म हो चुका तो पानी भर देते हैं, तो पानी भर के आते हैं अभी ताज़ा, फिर इनको देते हैं। जब ठंडा पानी आए, जब तक ठंडा पानी थोड़ा नॉर्मल हो। अभी सही है, अभी सही लग रहा है। अभी इसका ठंड पानी भर लिया हमने, अब इसको पानी डालते हैं हम अपने मुर्गी को, फिर वो पिए। और ये कोडू तो यहाँ घूम रहा है, कोडू बेचारा डरता ही रहता है सारा दिन। कोडू ने पहले मस्तियाँ की, अब डर रहा है। अभी इसको पानी रख दिया हमने, पानी वानी पिएगा और चिल करेगा। अभी जो है फिर चमचम को देखते हैं क्या होता है, बाहर जाके देखते हैं। ये इतना कोई मुझसे डर रही है ना कल से, पता नहीं क्या है इसके साथ। पता नहीं मैंने इसको कुछ मारा वारा भी नहीं है जो मुझसे डरे, पर पता नहीं क्यों डर रही है। ठीक हो जाएगी कदवा कुछ। और चमचम जो है खड़ी हुई है, इसको जहाँ पे थन पे एक जो है ना थोड़ा सा वो चोट लग गई थी, अब सही है। हमने दवाई ववाई डाली थी, बाकी इसने तो माशाल्लाह से फूड सारा चट कर लिया। हमने सोचा ये नहीं खाती, बकरियाँ तो नहीं खाती, थोड़ा खाती हैं पर छोड़ देती हैं, उनका वैसे ही ख़राब हो रहा है वहाँ पे। तो ये भी पड़ा हुआ, ये भी डालेंगे, इनको खुद ही खाएगी। और इसकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि फ्रूट जो अभी मौसम चल रही है इसमें ठंडे भी होते हैं, नॉर्मल होते हैं, मतलब जिस्म के लिए खाएगी तो और अच्छी सेहत बनेगी। देखे ना ये पड़ी हुई है मौसमियाँ, वो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये खा रही है तो इसके सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और इसका मुंह का टेस्ट जो है जो फीका हो जाता है, खाने में जो टेस्ट नहीं आती वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा और इसका टेस्ट सही हो जाएगा, क्योंकि कड़वे भी हैं ना एक दो। मैडम साहिबा, इस मैडम साहिबा के नखरे चेक करें, इस बच्ची का जो खाना नहीं खा रहा। अब चिकन इसको बॉयल अभी भी जो है ना बॉयल करके बिल्कुल और अच्छे से इसको बना कर दिया, ये खा नहीं रही। अब चूटियाँ लग जाएंगी इस पर, खा जाओ यार जल्दी खा जाओ। फ्लफी अच्छा बच्चे बनाओ, ये लो ये अपने हाँ मेरे हाथ से खाओ। देखें अभी देखें सारा मिट्टी में डाल के फिर खाएगी। अब वो बड़ा छोटी मारानी पता नहीं कहाँ चली गई है, वो भी यहीं कहीं सोई होगी, वो उठे जब फिर उसको जो है चिकन याद आए। हम वो छोटी मारानी को ढूंढ जाते हैं, पर मुर्गियाँ पहुँच गई ना इसकी सारी डाइट खा जाएंगी। छोटी मारानी पता नहीं कहाँ चली गई है, इधर ही कहीं सोई होगी या उधर कोने में सोई होगी, जो अपनी जगह है जहाँ पे अपना सारा काला मकाला करती हैं, सारी ख़राब हो जाती हैं। ये देखें अब उस दिन नहलाया, आपने देखा होगा ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में, कल परसों नहलाया, अभी जो फिर उसने सारा काम ख़राब कर दिया। तो अभी फिर से सारी मेली मेली हो चुकी है, अभी खाना खाए पूरा फिर मैं जाऊँ। महारानी साहिबा हाथ से खाती है हमारी केट, पता नहीं ये बड़ी हमारी महारानी है जो ये अब मेरे हाथ से खाती है, वैसे बर्तन से नहीं खा रही। अब इसको फंस रहा है, इसको पता ही नहीं कि खाते कैसे हैं। चिकन इसको मैं कम डालता हूँ, ये फीड खाती है, सारा दिन फीड खाती है। अब मैं इसको आदत डाल रहा हूँ कि ये चिकन और दूध पे आए तो अच्छी बात है ना, वो ये हेल्दी रहता है, वो फीड से कोई हेल्थ वेल्थ नहीं होती। फीड पता नहीं क्या डालते हैं हमें, उस पर जो है ट्रस्ट नहीं होता 100%। तो ये अपने से देते हैं जो ये अच्छी होती है, अभी इसको फिर से आदत देते हैं।
अभी हाथ से खा रही है, वैसे नहीं खाती। अब इसको खिला लूँ, फिर जो छोटी महारानी को ढूंढते हैं कहाँ चले गए। छोटे महाराजा यहाँ से आए हुए थे, हम नीचे इधर सोए हुए थे, अभी निकल है। अभी इसको पता ही नहीं क्या है, हाँ खा रही है, भूख लगी है इसको। गिर पड़ा यहाँ पे महाराज, महारानी साहिबा खा रहे हैं। ये देखें कितने इसको नखरे होते हैं, ये खा नहीं रही। इधर आओ, ये खा लो, खा लो बच्चे, खा लो। अभी खा नहीं रही है, देखो ये यार इनके नखरे बहुत ज्यादा होते हैं। देखे अब ये देखो कहाँ जाने की कोशिश की जा रही है। मेरे हाथ को नहीं चाटना यार, हाँ ये हुई ना बात। अभी आधा निकल चुका, फिर खाओ यार, यार इतनी तंग कर रही है, खा लो खा लो प्यारा बच्चा, खा लो। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये खा लो फिर चली जाओ, फिर जहाँ जाके सोना है तुम खा लो यार, ये खाओ पहले। नींद आ रही है इसको नचेड़ी को यार, इधर आओ इधर, ये खा लो पहले, खा लो। अभी गुस्सा करके जा रही है, इधर आओ, इधर रुको, इधर रुको, इधर 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 इधर, ये खाओ खाओ यार, तंग नहीं करो यार। कितनी गंदी है, ये खा लो। अब ये खुद ही खा लेगी, बड़ी सोचते हैं यार, इतनी गर्मी होती है इनको ये समझ में नहीं आता। अभी देखिए यहाँ पे खा रही है, अभी खा रही है। अभी ये पंखा वंखा लगा हुआ है, इनको जहाँ पसंद आए, सारा घर इनके हवाले होता है। यहाँ की साइड ये स्टोर रूम पूरा, वहाँ सारे जहाँ दिल करता है इनका सो जाती है। अब फ्लफी इसके नीचे चली गई है, चाहे सोती रहे सुकून से। और इसकी फीड भी पड़ी हुई है, फीड अभी दूसरी भी लेके आएंगे, अभी ये थोड़ी ख़त्म आने वाली है, कम हो चुकी है, तो ये दूसरी भी लेके आएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। फीड भी इनको खिलाएंगे, बस चिकन भी इनको एक टाइम देना चाहिए, फीड भी एक टाइम देंगे, दूध भी देंगे, तीन टाइम का खाना इनको पूरा देंगे हम फुल, जैसे हेल्दी और एक्टिव रहें। ये कबूतर हमारे वापस आ चुके हैं नीचे नहाने के लिए, नहाए खुद ये इंजॉय करें, और ऊपर एक ऊपर नहा के चला जाए, चला गया। तो अभी ये नहाए खुद इधर इंजॉय करें, कोई मस्ती वाली बात नहीं यार, इनकी भी ज़िंदगी है, खुद खुले खुले रहें तो अच्छी बात है। और इनके पैर लग जाएगा तो खुद ही ये इधर कहीं या अंदर इसमें जो है जगह ढूंढ लेंगे, तो उसको भी खोल देता हूँ। यहाँ बाहर अच्छे लगते हैं यहाँ घूमते हुए, तो बाकी इनकी ज़िंदगी है, इनका मसला है, ये खुद ही इंजॉय करें, इनको बंद करना क्या मतलब। अब चार चार को पाँच छः दो हैं बेचारे, इनको बंद करके वैसे ही आज़ाद जानवरों को बंद नहीं करते हम, परिंदों को ना, तो अच्छी बात भी नहीं होती। यहाँ देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पे आते हैं रोज़, ऊपर से आते हैं यहाँ पे, दाना वाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं और चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर सारे रात ऊपर रहते हैं। पर ये खतरा रहता है कि उनको कोई चीज़ उठा ना ला जाए, और पहले भी दो चले गए हैं पता नहीं कहाँ, और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, बस हालत गंदी कर रही है। तो अब मैं दूसरे अपने कबूतरों को देखता हूँ वो क्या करते हैं, अभी जाते हैं इधर। ये मुर्गियाँ, ये वो, ये मुर्गी बहुत ज़्यादा डरती है मुझसे, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। तो इधर मैं आता हूँ, ये भागती है इधर उधर, तो मसला हो जाता है। और इसने अंडे देने भी अब कम कर दिए, अब ये जो चूजे आए हैं छोटी छोटी, ये चिक्स जो हैं ये बड़े हो जाएँ तो फिर बच्चे दे देंगे, तो फिर ये अंडे देंगे, फिर इनके अंडे और फिर से ससील के नीचे रखेंगे ब्लैक वाली के, फिर जो फिर बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह, अब टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी ये तो इधर हमने पानी वानी दिया हुआ है इसको, ये बैठी हुई है, तो देखते हैं अब उन कबूतरों को क्या हाल सूरत हाल है। कल मैंने इधर से सफाई की है, इधर से सफाई की है, पूरी सफाई कर दी है मैंने। अब इन्होंने कोई अंडे देने का तो सीन उनका लग नहीं रहा, दरवाज़ा खोल लेते हैं, हमने कराएंगे खुद ही खुद।
आ जाओ बस, बाहर आ जाओ बस, बहुत हुआ। ये तो चुप रहे हैं, मरगा अंदर चला जाएगा फिर इनको मारेगा दोस्ती। मैं इनका थोड़ा सा दरवाज़ा खोल लेता हूँ, इतना सा, ये इतना सा, ये आएगा ना तो खुद ही चला आएगा। हाँ इधर इधर से निकल आएंगे, इतना खोल देता हूँ क्योंकि मरगा ये बड़ा वाला गया ना तो इनको खा सकता है, फिर हमारा जो है प्लेग वाला और वह जो उसका वो बड़ा गुस्से वाला है वो सबको मारता है, वो अपने मतलब जोड़ीदार के लिए नाम आता है ना फिर बड़ा गुस्सा करता है, तो इस वजह से जो है अभी वो सबके साथ लड़ता है। तो उसको अभी मैंने थोड़ा गला ये जाएगा तो इसके अब इसकी हाइट देखो अपने हमारे मुर्गे की और उसकी हाइट देखो, अब ये देखो आ जाओ हाथ पे आ जाओ प्लीज़ प्लीज़, भाग गया ऊपर चला गया, ये हाथ भी नहीं आता, ये पकड़ लेता पर उसको पकड़ने का दिल नहीं करता यार, पकड़ लूँ फिर बेचारा ऐसे ही वो टेंशन में। अब ऊपर बैठा है, इनका प्यार लग चुका है, इनकी सेटिंग हो चुकी है, पता नहीं कभी उसके साथ होता है कभी इसके साथ होता है, दो फीमेल ही हैं। हम देखते हैं क्या होता है, इनका मूड हुआ अंडे बच्चे करने का तो ये खुद ही आ जाएंगे, नहीं तो इनकी मर्जी। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे यहाँ कुछ ऐसे बॉक्स लगवा दो ना फिर इधर अच्छा रहेगा इनका। माँ को दूध देते हैं, यहाँ पे दूध पिएगा माँ, कभी माँ दूध पी रहा है अभी, और इसके लिए चावल भी लेके आए, वो चावल भी देते हैं अभी इसको। अभी इसका दूसरा बर्तन ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ इधर ही इस पे रख के देते हैं। अरे गाड़ी कम थी वो, ये तो गुम हो गया, वो इधर रख के देते हैं, ये खाएगा। तो इसके बर्तन भी लाने हैं, अभी बर्तन भी लेके आएंगे थोड़े दिनों में, बाकी जो है अभी जो है इसके बर्तन नहीं है तो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी चेरी बैठी हुई है, सुकून इसका खाना वाना पड़ा हुआ है, और चमचम जो वहाँ खड़ी हुई है शाम को दूध निकालने के टाइम बहुत बड़ा गुस्सा करती है, बाकी जो है दिन में सुबह के टाइम जो है दूध सही दे देती है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, और कमेंट लाजमी करना है, आपने बताना है कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।